अस्सलाम वालेकुम। जै वक्त राणा सिंध में आया उन वक्त सिंध ते सूमरन की हुकूमत हुई। जैसे राणन अछरे थर की ड्रेने वाले भिट से पैंजा राज कायम कया हुआ। उन वक्त राणन की राजधानी जो हेडक्वार्टर रतु कोट हो। चयो वञे तो ईस्वी सन 1974 ईस्वी धारे परमार राजा धरणीबराज वडो पुट महपाल उर्फ देवराज आयु जो राजा थो। धरणीबराज बे पुट बहाड़ जै बहाड़ मीर जो शहर वसाय आबाद किया। खे टे पुट हुआ, एक सोढ़ो, बो साखलो, टो बाघ। सोडे जो औलाद सोडा, साखले जो औलाद साखा मशहूर थे। राजपूतन जो अक्सर शाखू अड़ी तरह वडन के नाले से किन हालत में गोठन के नाले से सर्जन थियं। जिं त धरणीबराज वडो पुट महपाल आयु जो राजा थो। बे पुट बहाड़ के कुछ न मिलो, तेकर वो वही राधनपुर रो। संदस वडो पुट नाले सोडो सिंध के सूमर हाकुम व 1125 ईस्वी में लंघे आयो। जै मेहरबानी तौर खेस रतु कोट। ये कोट खपड़े तालके में आए, जो खपड़े का 6 कुआ उत्तर ओभर ढोरे के भरसा इन वक्त बेफिटल सूरत में मौजूद है। खेस रतु कोट दिनों सोडो संदस पुट चाचक देव रते कोट की हुकूमत में राजी रहा। चाचक देव का पोए राजदेव उर्फ राय देव रते कोट के गादी से वेठो। सोडे की औलाद रते कोट से 100 साल हुकूमत कई। अड़ी तरह सोडा पैं पेरन से बीहण जड़ा थी वह। उन दौरान खेन सिंध के सूमरन की ताकत जो भी अंदाजो थी। सूमरन जो राजा उन वक्त ठट्टे में रहंदो हो। ठट्टो उमरकोट का 50 कुआन के मुफासिले से हो। उन करे राय दे उमरकोट हथ करण की कोशिश कई। उमरकोट की हकीकत मालूम करण लाई जत्फ चारण के मोकलियाई। राय दे के तसली हुई तो जत्फ चारण की उमरकोट अचण से सूमरन के को भी शक न पवंद। जत्फ चारण राय दे के उमरकोट के समूरी हालत का वाकफ़ कर। अड़ी रीत 1226 ईस्वी में जंग लगी ए राय दे उमरकोट हासिल कर। जत्फ चारण के कदर शनासी में खारवड़ी जो गोठ जो उमरकोट का 4 मेल छोड़ रोड से वाक़ है सो इनायत कयाई है। जो अज डी तीन खारवड़ो चारण के नाले से मशहूर है। राणन के दौर में समूरी जमीन जत्फ चारण के इनायत थियल हुई। अड़ी रीत राणन ए सोडन के पैंजा पेर खोड़ने लाए पेरी जो इलाको दिसण में अचे तो यो अछरे थर जो ड्रेन के भरसा इन वक्त भी राणाओं के नाले से आबाद है। जिते के जमान में राणन की 7 राजी कायम हुई। उते जा रंग हठ ए दबदब पैं खास सुणप रखंद हो। अछरे थर में अज भी राणक डहर राणाऊ राबलाऊ वारा इलाका राणन के अवाली रहने करे राणन जा पट के नाले से सुणप रखन था। थर जा सोडा पैं सभा में वाकई कें देव मालाई किरदार वागुर लगन था। थर ए अछरे थर के भटन में सियासत राजवंती का वी राणन के सत राज्य का रूमानवी दास्तान भी रुमाया है। हुआ भी अवाली दौर के चारण भट्टन ए भाटन की दिल ए दिमाग से सोडन जहा रुमानवी किस्सा उकरल हैं। सिंध के सदा हयात रुमानवी दास्तान मुमल राणे जो किस्सो भी अछड़े थर के लायक राणाऊ का शुरू थो। राणे मुमल के मारण लाए जो राणन के पट्टन तं कशाला कया से लोक अदब में राणे मेंद्रे ए राणाऊ के राणन के पट्टन की अलग सुणप रखन था। राणन ए सूमरन में आमू सामू थियण सवली सिंधी में चवणी है तो मुड़स मुड़स जो मटो है। जने जबल के सामू जबल हुए तो बिन्हीं धुरियन के पान में ठाव कर गडियल राज्य कायम करण पव। ई राणन ए सूमरन पैं ताकत आजमाई करण बदरा गडियल राज्य कायम कर। सिंध की तारीख मूजिब उमेर सूमर के बादशाही में राणू मेंद्रो वजीर हो। सोडन के सत राज्य की ताकत ए दबदबो भरे सगीर में वही हैसियत रखंद हो। तारीख में हिंदुस्तान के वे हिस्से से राज कदड़ राजान के राजपूत नसलन वारे सोडन की हिम्मत बहादुरी ताकत जो मिसाल उन गाल लगे सकजे तो तो शेरशाह सूरी हथा शिकस्त खाईदड़ मुगल हुकुमरान शहनशाह हुमायूं के सियासी पन्ना अछड़े थर के सोडन डिनी हुई। यह गाल भी अछड़े थर के तारीख जो अहम बाब है तो हिंदुस्तान के नामवर हुकुमरान अकबर बादशाह अड़ियन हालत में अछड़े थर के ड्रेन की ओट में रो। उरूज के जवाल तदें आयो जैसे बरे सगीर गडियल हिंदुस्तान जो विरायबो थो तो राणन ए सोडन की सत राज्य वा पट विरागे के नतीजे में विरहजी वह। नंडे खंड के विरागे न जान केतर ही हस्तियों के माजी जो हिस्सों बनाए छोड़। 1925 ईस्वी 1971 ईस्वी के जंगन भी सिंध के राणन ए सोडन के सत राज्य के वितर कमजोर कर छोड़। सोडन जो राजा तो उरूज पैं ओज विञाए वेठो। अड़ी तरह विरागे राणन ए सोडन के बिन हिस्सों में विराय छोड़। विरागे सोडन के पैं संगावती ए समाज मसले के करे छड़ो छर कर छोड़। बहरहाल सोडा पैं गोठन में अज भी बादशाह वागुर पैं न्याण के डाज में बहा बहू गोला ए गोलू डींदा पाया अचन। जैसे सोडन में भी पहात वो रवायती रवाज मौजूद है। उनकर ठुकरन के गोठन में कुर्त वारी जातियों जिनमें हजाम मेघवार कंभार मगनहार भील जरूर मौजूद हूँ। ठकुरन के शादियों के कोठ हजाम ए गमी की जान मेघवार डींद है। जान रवायतन के बरअक्स शादी ए गमी जो तलाव ठकुर पा दिनों तो उन मतलब यो थो तो सोडे पैं रवायतन के खत्म कर छोड़।
यह रवायत सोडे ॾुखियनि हालतुनि में अचण बावजूदि ख़त्मु न कई आहे। ठकुरनि जे राज्यनि में रहंदड़ कुर्त वारनि ज़ातियुनि जो आम तौर ते माली मामिलो ठकुरनि जी ज़िमेवारी हूंदी आहे। हू पंहिंजे फ़सल खां सवाइ शादियुनि जी घोर मां बि मुक़ररु कयल 2100 कुर्त वारनि बिरादरनि लाइ वक़ुफ़ु कंदा आहिनि। इहा हिकु हक़ीक़त आहे त सोडनि जी बादशाही खे ख़तमु थिए कई वह गुज़री चुका आहिनि, पर ठकुर सोडा पंहिंजे समूरनि आदतुनि में अञा बि बादशाह लॻनि था। ॻाल्हाइण जे अंदाज़, रस्मनि, रवाजनि, वेस तोड़े पंहिंजे सवारी लाइ वहट बि चूंड ऐं भला रखनि। हूअं जेकॾहिं समाज जी अणत बुनियाद ते नज़र विधी वञे त असांखे केतिरा अहिड़ा मिसाल मिलंदा जिन में सोढा पंहिंजी रवायत खे बरक़रार रखण लाइ वसीअ सोच हथ खे खुलियो रखणु, तॾहिं जो मान रखणु, सोचे सम्झी ॻाल्हाइणु ऐं चयल ॻाल्हि ते हर हाल में अमल करण में मशहूरु आहिनि। मञूं था त हिन जदीद दौर में क़दीम वक़्त जे ख़ानदानी माण्हुनि ऐं ॾातारनि खे केतिरनि ख़िताबनि सां यादि कयो वञे थो, पर इहा हिकु हक़ीक़त आहे त ॾियणु ऐं रोअणु हीअं हेठि हूंदो आहे। माठि रहण बि वॾी ॻाल्हि आहे। असांखे असांजे सिंधु धरतीअ जे माज़ीअ जी तारीख़ में अहिड़ा मांझी मर्द मिली वेंदा जिन पंहिंजनि समूरनि ज़रूरतनि, शान ऐं शौकत खे पासे ते रखी इंसानु इंसानियत लाइ सोचियो, पंहिंजो धन जो वॾो हिसो इंसान जे भले लाइ वक़ुफ़ु कयो, तालीम, सिहत ऐं ज़रूरी बुनियादी ज़रूरतनि खे पूरे करण लाइ उन्हनि पंहिंजो धन इस्तेमालु कयो। उन्हनि मांझी इंसाननि बदिले में कुझु बि हासिलु करण जी सोच न रखी। हिन वक़्तु सियासत कंदड़ माण्हुनि वटि दिलि त आहे पर दर्दु नाहे, सोच त आहे पर अहसास नाहे। हू सोचीनि बि ज़ाती मुफ़ाद लाइ ऐं लोचीनि बि फ़ाइदे हासिलु करण लाइ था। ज़ाती मुफ़ादनि लाइ सोचींदड़ जदीद दौर जे अहिड़नि माण्हुनि खे इंसान थियण लाइ शायदि अञा कई साल दरकार आहिनि, पर अॻे क़दीम वक़्त जे माण्हुनि पंहिंजो फ़र्ज़ इदारनि जीअं निभायो। उन्हनि पंहिंजो ज़ाती धन इंसानियत जे फ़ाइदे लाइ इस्तेमालु कयो। जेकॾहिं सोडनि जी तारीख़ ते नज़र विझिजे त हिननि पंहिंजे इलाइक़नि ऐं ॻोठनि में केतिरनि ख़ानदाननि खे पाण सां गॾु रहायो। वॾी ॻाल्हि त उन्हनि ख़ानदाननि जे समूरनि ज़रूरतनि खे पूरो करणु बि पंहिंजो फ़र्ज़ु सम्झो। उन्हनि जे ख़ुशियुनि ऐं गमियुनि में बराबरि जो हक़ु अदा कयो। पंहिंजे ख़ानदानी रवायतुनि खे पूरे करण लाइ सोडनि ते कठिन वक़्तु बि आयो, पर हिननि मुड़ुस थी बिना बणक ॿाहिरि कढण जे पंहिंजे ख़ानदानी रवायतुनि खे निभायो। राजस्थान ऐं सिंध जे ठकुरनि ते अकबर बादशाह जे दौर में ढल माफ़ु थियल हुई। सिंध में सोडनि जे मराहतनि ते अंग्रेज़ हुकूमत वार कयो। थर में छाछड़े खां वठी समूरा ॻोठ सोडनि जा ॿधायल आहिनि। ॾुखे खां ॾुखे वक़्त में बि पंहिंजनि अॿाणनि पडलनि न छॾींदड़ सोडनि खे नंढे खंड जे विरागे ॿिनि हिसनि में विरहाए छॾियो। न ॼाण केतिरा सोडा पंहिंजे मातृभूमि सिंध अमर खे खेराबा चई हिंद में गुज़ारे रहिया आहिनि। ॿिनि जंगियुनि वेतर सोडनि खे पंहिंजा भरिया तरिया घर, सेमू, ओतारा, राज भाग, समूरा ठठ, अंगुल आरा छॾण ते मजबूर कयो। इहो ई सबबु आहे जो थर में 80% ठकुरनि जी छॾियल मिल्कियत आहे। सोडनि में धरतीअ लाइ मोहबत सदाईं सरसरई आहे। वक़्तु अचण ते जबल थी दुश्मन साम्हूं बीह रहणु सोडनि जो महामरकु रहियो आहे। विढ़िया त ओची घाट, हलिया त ऊची घाट, ॻाल्हायूं बि ऊची घाट, घुमिया बि ऊची घाट। इहो ई सबबु आहे जो जॾहिं सिंध में अंग्रेज़ साम्राज्य जे ख़िलाफ़ु हुर हलचल शुरू थी त उन ज़माने में राणाऊं समेत जैसलमीर जा समूरा इलाइक़ा हुर विढ़ागनि जे पनाह वारा हंधु हुआ, जिते शेखू, राजड़, अब्दुल्ला, राजन, रहीम, हिंगोड़े ताईं सोडनि जे पना में हूंदा हुआ। थर जिते फितर ते हुसन वणनि, पखियुनि, जानवरनि, ढंढनि ऐं ड्रेन मथां जॾहिं मौसम महिरबानी थींदी आहे त थर जी फितर ते हुसन में निखार अची वेंदो आहे। सोडान फितरी हुसन जा सदियुनि खां मुआफ़िज़ रहंदा पिया अचनि। त इनशाला उमेदु आहे त अॼु जो हीउ वीडियो अव्हां सॼणनि खे ज़रूरु पसंदि आयो हूंदो। त वीडियो खे हिकु लाइक कयो ऐं असांजे हिन यूट्यूब चैनल खे ज़रूरु सब्सक्राइब कयो ऐं वीडियो खे वध खां वध शेयर कयो। त इंशाल्लाह मिलंदासीं अहिड़े दिलचस्प हिस्ट्रिकल वीडियो में। तेसि ताईं असांखे ॾियो इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।